हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं रीजनिंग के लिए स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ। तो रीजनिंग के लिए इस वीडियो में हम प्री और मेंस की दोनों की बात करेंगे। तो रीजनिंग के लिए सबसे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, जो कि आप किसी भी टीचर से कर सकते हो। यूट्यूब पे आप किस भी टीचर को फॉलो करते हो, आप उनसे सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फानिमेरिक सीरीज, जितने भी रीजनिंग का सिलेबस है, जितने भी चैप्टर्स हैं, आप उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो। और इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के बाद आप अपने डेली टारगेट्स को शुरू करें। तो आपको क्या करना है कि डेली आपको प्री लेवल की 5 to 6 पजल्स को सॉल्व करना है, जो कि SBI PO प्री लेवल की हो या फिर RRB क्लर्क मेंस लेवल। और आपको डेली बेसिस पर सिलॉग्स के 10 क्वेश्चंस, इनइक्वालिटी के 10 क्वेश्चंस, 2 सेट्स ऑफ ब्लड रिलेशन और कोडिंग डिकोडिंग और सब मिसलिनियस क्वेश्चंस, आपको डेली इनकी प्रैक्टिस करनी ही है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपका टाइम रिड्यूस होने लग जाएगा और आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी फॉर द प्री एग्जामिनेशंस। और आप अपनी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से बिल्ड करें, प्रैक्टिस से आपके कॉन्सेप्ट्स भी स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। उसके बाद हम मेंस की बात करते हैं। मेंस की रीजनिंग के लिए आपको डेली 2 मेंस लेवल की पजल्स को सॉल्व करना है। और मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपना टाइम बहुत जो ज़्यादा ही हार्ड पजल्स होते हैं, जिनका कोई सोल्यूशन निकलने ही नहीं वाला, जिनको आपको पता है कि 2 से 3 घंटे तो लगने ही हैं, आप ऐसे पजल्स को अवॉइड ही करो। आप उन पजल्स को सॉल्व करो, उन पर टाइम लगाओ जो आपको लगता है कि आप एक्चुअल एग्ज़ाम में करोगे। आपको सॉल्व वही पजल्स को करना है जो आप एक्चुअल एग्ज़ाम में करने वाले हो। तो हमें प्रैक्टिस ही उन्हीं पजल्स की करनी है मेंस लेवल की। आप अभी से उन पजल्स को आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे, तभी आप मेंस में उनको अच्छे से टाइमली सॉल्व भी कर सकोगे। मेंस का जो एग्ज़ाम होता है वो मेनली हमारे क्वेश्चन सिलेक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आप अभी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको किस लेवल की पजल्स और कौन से टाइप की पजल्स आप सॉल्व कर सकते हो, तो आप उन्हीं को अभी से आइडेंटिफाई करके उन्हीं की प्रैक्टिस स्टार्ट करो, ताकि आपको मेंस में कम टाइम में आप सॉल्व कर सको पजल्स को और आप अटको ना। और आप डेली 2 पजल्स की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, और या फिर आप इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस को करो प्रैक्टिस। न्यू पैटर्न के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये मेंस एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनकी स्टेटमेंट बहुत बड़ी होती है, लेकिन करने में उतने ही ईजी होते हैं। आपको सिर्फ समझना, आपको एक पैराग्राफ दिया होगा जिसमें कि सारी इंस्ट्रक्शंस गिवन होगी, आपको जस्ट आराम से रिलैक्स करके इसको रीड करना है और फिर आप उस अकॉर्डिंगली आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अगर आप ऐसे न्यू पैटर्न को रीड करने की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करोगे, तो मेंस एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ट्रस्ट मी। तो न्यू पैटर्न के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अभी से शुरू कर दो। और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कोई वर्ड दिया होता है, आपको सेकंड लेटर, फर्स्ट लेटर, फिफ्थ लेटर से आपको बताना होता है कि कौन सा न्यू वर्ड बन रहा है। ये प्री लेवल में आता है, ये मेंस लेवल में भी आता है। इसमें ऐसा होता है कि आपको वर्ड्स ज़्यादा दे दिए होते हैं और थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको क्वेश्चन मिलेगा। मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये, आप इनकी भी प्रैक्टिस ज़रूर करो। ये भी आपको 1 से 2 नंबर के मिल जाते हैं मेंस में, इसको भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। और ये जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, ये तो छोड़ने वाले होते ही नहीं है मेंस में, तो करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। इनपुट आउटपुट की आप प्रैक्टिस अभी से कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप इनपुट आउटपुट क्वेश्चंस इस मेंस एग्ज़ाम में अगर आपकी प्रैक्टिस अभी से होगी, आइडेंटिफाई पैटर्न को आप अगर अभी से आइडेंटिफाई कर सकोगे, तो आप मेंस एग्ज़ाम में भी कर पाओगे। तो इनपुट आउटपुट की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दो। और डेटा सफिशिएंसी में आपको पता ही है कि कुछ न्यू नहीं होता, वही हमारे चैप्टर्स होते हैं, ब्लड रिलेशन या फिर सिलॉग्स को कंबाइन करके, ब्लड रिलेशन को कंबाइन करके या पजल्स को कंबाइन करके, 2 टाइप की पजल्स दी होगी उनको कंबाइन करके क्वेश्चंस
पूछे जाते हैं, तो डेटा सफिशिएंसी में ये आ जाता है। क्वांटिटी 1-2 में भी यही जो हमारे चैप्टर्स होते हैं इनको कंबाइन करके पूछा जाता है। ये भी हमें मेंस एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं छोड़ने चाहिए, इनकी भी प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर सकते हो। तो अल्टरनेट डेज पर या तो आप पज़ल सॉल्व करो या इन टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, तो इससे आपके मेंस की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी और आपको मेंस एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि मेंस एग्ज़ाम जो होता है वो आपकी क्वेश्चन सिलेक्शन के ऊपर बेस्ड है। आपको डेली प्रैक्टिस करने से आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सो दिस इज फॉर द मेंस एग्ज़ाम। सो दिस वाज द वीडियो अबाउट मेंस स्ट्रेटजी फॉर रीजनिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।